हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुबिला पॉइंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8। मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए इंग्लिश मीडियम में। 29 जुलाई की वर्कशीट है। टॉपिक है लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। हमें खेलना है गेम ऑफ एज को, यानी खेल खेल में एज जानना है। आपके सामने चार कॉलम है, ए बी सी डी। आप समझना है, चारों कॉलम में काउंटिंग दे रखी है ना। तो पहले हम समझते हैं, फिर सवाल करेंगे। तो देखिए, पहला मोहन्स एज इन कॉलम ए। मोहन की जो एज है ना, वो कॉलम ए और डी में पाएगी, लेकिन बी सी में नहीं पाएगी। लिखा है ना नॉट इन बी। तो ए और डी में ऐसा क्या नंबर है जो बी सी में नहीं है? तो हम देख रहे हैं 9 और 9 ए और डी में है, बी और सी में नहीं है। चलिए दूसरा कलर लेते हैं। रूही's एज इज कॉलम बी। रूही की एज सिर्फ बी में है और कहीं नहीं। तो बी में एक नंबर है 2, जो किसी भी कॉलम में नहीं है, ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं, इसलिए रूही 2 साल की है। एज निकालने का तरीका समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, तरनजोत की एज ए बी डी में पाएगी, लेकिन सी में नहीं। ऐसी कौन सी है नंबर, कौन सा नंबर है जो ए बी डी में सी में नहीं है? तो वो है 11। देखिए सी में नहीं पाएगा, आपको नहीं है ना सी में, यस। तो इसकी एज हो गई 11 इयर्स। ठीक है, वैसे जॉन की एज ए बी सी डी चारों में पाएगी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में है? 15 15 15 15 चारों में है, तो जॉन की एज हो जाएगी 15 इयर्स। आ गया होगा आपको समझ में अब तक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करें। लेट्स डू। रोहित इज इज इन कॉलम ए एंड सी। ए और सी में, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो हम ढूंढते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और सी में है, लेकिन बी और डी में नहीं है। ए और सी में हमें दिख रहा है 5। देखिए बी में नहीं है और डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब रोहित की एज 5 इयर्स होगी। तो कितनी है इसकी एज? 5 इयर्स। सलमान की एज बी सी डी में है, बट ए में नहीं है। ऐसा नंबर जो ए में ना हो, बी सी डी में हो। कलर हम चेंज कर लेते हैं। बी सी डी में 14 14 14 है, बट ए में वो नहीं है। मीन्स कि सलमान की एज कितनी है? 14 इयर्स, ठीक है। वट टाइप ऑफ नंबर डू यूज इन कॉलम ए? कॉलम ए में कैसे नंबर है, चलिए हम रीड करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15। ये नंबर्स तो ऑड नंबर लग रहे हैं, क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो ये लिखेंगे दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स? जो कॉलम ए में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट एज ऑफ योर यंगर ब्रदर। आपके भाई की उम्र, फ्रेंड की, सिस्टर की, इस टेबल को यूज करके आपको पता लगानी है, आपको खुद करना है। तो कॉपी में आप इस टेबल को बना लीजिएगा सुंदर सी स्केल की मदद से, और फिर ये क्वेश्चन, पहले ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन। तो बच्चे फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है, सब टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी ही 6ठी क्लास की और वर्कशीट्स लेकर आएंगे।